हाई क्लास, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू रिएक्शन इन्वॉल्व क्लेवेज बॉन्ड सी बॉन्ड ओ। इट मीन्स प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू बॉन्ड क्लेव्स बिटवीन आर ओ एच, एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू बॉन्ड क्लेव्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स के अल्कोहल की जो रिएक्शन होगी वो होगी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, किसी भी अल्किल हैलाइड के साथ में, लेकिन उसमें जो बॉन्ड क्लेविस होगा वो कौन सा होगा, उसमें जो बॉन्ड क्लेविस होगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लेविस होगा। लेट अस टेक एग्जाम्पल, फर्स्ट ल्यूकास रेजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रेजेंट। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन्स, व्हाट इज ल्यूकास रेजेंट? ल्यूकास रेजेंट होता क्या है? इन HCl कंसंट्रेशन, HCl कंसंट्रेशन HCl विद जिंक ZnCl2 इज नोन एज ल्यूकास रेजेंट। इट मीन्स जो ल्यूकास रेजेंट होता है, जब हमारे पास कंसंट्रेशन HCl और किसके साथ हो, ZnCl2 के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रेजेंट। नाउ इन अल्कोहल्स आर ओ एच रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 alcohols react with hydrogen halide in the presence of ZnCl2 water molecules simply remove out minus H2O. now we get product RCl. now we get product alkyl halide. In the case of alcohols, alcohols are water soluble. On the other hand, alkyl halides do not dissolve in water. इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर एल्कोहल्स होता है वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन जो एल्किल हैलाइड होता है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये क्या करते हैं, टर्बिडिटी देते हैं, टर्बिडिटी, इट फॉर्म्स टर्बिडिटी। व्हाट इज डूइंग इन द केस ऑफ थर्ड डिग्री एल्कोहल्स, इन द केस ऑफ थर्ड डिग्री एल्कोहल्स, When we do third degree alcohols Lucas test, it quickly gave turbidity. It means जैसे हम क्या करते हैं कि जो third degree alcohols को जैसे इसमें Lucas test कराते हैं, ये quickly हमें क्या देते था, turbidity. When we do third degree alcohols Lucas test, it quickly give to turbidity. It means जो ये reaction होती है, जो third degree alcohols है, जैसे हम इसमें Lucas test कराते हैं, Lucas test क्या होता है, ZnCl2 और HCl, तो ये क्या कराते हैं हम, जैसे third degree alcohols में हम क्या कराते हैं कि Lucas test को कराते हैं, तो यहाँ पे quickly हमें क्या मिल जाती है, turbidity. In the case of second degree alcohols, when we do second degree alcohols, Lucas test, it give turbidity within 5 minutes.
इट मींस जब हम सेकंड डिग्री अल्कोहल्स के जब सेकंड डिग्री अल्कोहल्स के साथ ल्यूकास टेस्ट कराते हैं तो हमें जो टर्बिडिटी मिलती है वो मिलती है लगभग 5 मिनट्स के बाद, 5 मिनट्स। तो वी गेट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। एंड नाउ द फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स, इन द केस ऑफ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स, इन द केस ऑफ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स, व्हेन वी डू फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स ल्यूकास टेस्ट, इट गिव टर्बिडिटी, इट गिव टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स। इट मीन्स जब हम ल्यूकास टेस्ट कराते हैं किसके साथ, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स के साथ, यहाँ पे जो टर्बिडिटी हमें मिलती है, टर्बिडिटी मिलती है हमें इसमें कम से कम आधे घंटे के बाद, 30 मिनट्स लेटर द 30 मिनट्स, और विद इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। व्हाट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशन, अल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, देन द वी गेट प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशन। मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशन, इन द अल्कोहल्स ROH, ऑक्सीजन हैव वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन इन द केस ऑफ अल्कोहल्स हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, इन द केस ऑफ अल्कोहल्स हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप्स। वी हैव टेक ZnCl2, वी हैव टेक ZnCl2। इट मीन्स जो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ यहाँ पे एक गुड लिविंग ग्रुप्स नहीं होता है। हाइड्रोक्सिल इन द केस ऑफ एल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप्स। तो वी हैव टू टेक ZnCl2, एंड ZnCl2 परफॉर्म्स लुईस लुईस एसिड, ZnCl2 परफॉर्म्स लुईस एसिड। द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स ZnCl2, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन मूव टुवर्ड्स ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नाउ वी गेट आर ओ, दिस ऑक्सीजन हैज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस ऑक्सीजन हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन आल्सो कनेक्टेड, एंड आल्सो कनेक्टेड ZnCl2। ZnCl2 नेगेटिव चार्ज। नाउ द वी टेक HCl आर ब्रेक डाउन, देन द फॉर्मेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव ऑन द R, द इलेक्ट्रॉन्स द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन R एंड O, द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स ओ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर रिमूव आउट। इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे HCl है, उस HCl का परफॉर्म करा रहे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। तो जो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयंस ही ये अप्रोच कर रहा है इस R को, और यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर रिमूव हो जाता है। द पॉजिटिव चार्ज आर रिमूव आउट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आर रिमूव आउट, देन वी गेट आर सी एल
आर सी एल प्लस आर सी एल प्लस जेड एन ओ एच जेड एन ओ एच एंड सी एल टू एंड सी एल टू माइनस। इट मीन्स जो यहाँ पे एच सी एल को हम क्या कराते हैं, यहाँ पे एच सी एल जो ब्रेक डाउन होता है एच पॉजिटिव और सी एल, यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है इसको अप्रोच करता है आर को, एल्काइल्स को, और इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करता है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे इस पे ऊपर का ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव आउट हो जाता है। और यहाँ पे जो जेड एन सी एल टू के ऊपर जिंक के ऊपर माइनस का चार्ज क्यों आ रखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मूव किसकी तरफ कर रहा है, जिंक की तरफ। अब यहाँ पे जो हमारे को प्रोडक्ट मिलता है एल्किल हैलाइड्स, यहाँ पे आर सी, ये हो गया हमारे पास आर सी एल, जो यहाँ पे मिला हमको एल्किल हैलाइड्स, ये बना यहाँ पे एल्किल हैलाइड्स, देन प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड्स एंड बाय प्रोडक्ट जेड एन ओ एच सी एल और होल कंपाउंड्स चार्ज नेगेटिव, देन परफॉर्म्स एच पॉजिटिव आयन, देन वी टेक एच पॉजिटिव आयन। इट मींस अब हम क्या करते हैं, ये जो एच सी एल का एक एच पॉजिटिव बच जाता है, इस एच पॉजिटिव आयन को परफॉर्म कराते हैं किसके साथ, जेड एन ओ एच सी एल टू माइनस के साथ, देन एच पॉजिटिव एंड ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर रिमूव आउट माइनस एच टू ओ फॉर्म। इट मीन्स जो हमारे पास एच पॉजिटिव है और ओ एच नेगेटिव है, ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, फॉर एंड फाइनली वी गेट प्रोडक्ट जेड एन सी एल टू। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, नेक्स्ट बॉन्ड क्लेवेज कार्बन एंड ऑक्सीजन, रिएक्शन विद फास्फोरस फास्फोरस ट्राई हैलाइड। नेक्स्ट जो बॉन्ड क्लेवेज मिल रहा हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो मिलेगा रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई हैलाइड। इन द थ्री यूनिट आर ओ एच, वी टेक थ्री यूनिट्स आर ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ पी बी आर थ्री, देन वी गेट थ्री आर एंड बी आर एंड बाई प्रोडक्ट एच थ्री पी ओ H3PO3, एल्किल ब्रोमाइड। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू बॉन्ड क्लेव्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। थैंक्स।